जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यारो, वीवो का नया प्रीमियम फ्लैक्सी फोन वीवो X90S लॉन्च हो चुका है। चलो इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। यहाँ पर आपको 6.78 इंच का एक 2K रेजोल्यूशन वाला BOEQ9 AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, 2160 हर्ट्ज का PWM DC डिमिंग है, HDR10 प्लस का सपोर्ट, DCI-P3 कलर गैमेट, 10 बिट का पैनल आपको देखने को मिल जाएगा, 452 का PPI है, 1300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, बेजल एज डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले है, देखने में स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा लगता है। देखो यार, डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छे हैं, आप जब भी इसमें मूवीज देखोगे, गेमिंग करोगे, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। और भाई, कर्व्ड पैनल है तो प्रीमियम एहसास हर वक्त रहेगा। और भाई, डिस्प्ले का कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी नेचुरल है, क्योंकि डिस्प्ले BOE का है, Q9 वाला वर्जन है, तो बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। और जो कलर्स का डेप्थ होगा वो भी काफ़ी नेचुरल आपको महसूस होगा। और अगर बाहर भी लेके जाओगे तो सारे कॉन्टेंट अच्छे से दिखाई देंगे, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। और यार, मानो या ना मानो, HDR 10 प्लस और 10 बिट के कलर्स आपके गेमिंग करने का एक्सपीरियंस काफ़ी इन्हांस करेंगे। गेम के ग्राफिक्स काफ़ी आपको शार्पन दिखाई देंगे, क्लियर कॉन्टेंट आपको महसूस होगा और काफ़ी अच्छा आपको कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, कलर्स काफी पंची रहेंगे। और यही सेम फैक्टर आप जब भी फिल्म देखोगे उस पर भी अप्लाई कर दो, फिल्म के कंटेंट काफी क्लियर दिखाई देंगे क्योंकि 452 का PPI है, कलर्स भी मस्त होंगे। और भाई, स्क्रीन टू बॉडी रेशो इतना अच्छा ना भाई, मजा ही आ जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले काफी अच्छा भाई, मजा आ गया देख के, डिस्प्ले के स्पेक्स बवाल है। कैमरास की बात कर ले तो कैमरास वाले सेक्शन में कोई वीवो कमी छोड़ा नहीं है, प्रीमियम फ्लैगशिप कैमरास मिल जाते हैं भाई। ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो। जो प्राइमरी कैमरा है सोनी IMX866 के कैमरा सेंसर के साथ है। और भाई, ये सोनी का बहुत ही अच्छा फ्लैगशिप कैमरा सेंसर है, बहुत अच्छे फोटोज आपको देता है और OIS भी मिल जाता है। जो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है सोनी IMX633 के कैमरा सेंसर के साथ है, और ये भाई बहुत अच्छे क्लियर मस्त वाले अल्ट्रा वाइड शॉट्स देता है। और जो तीसरा कैमरा टेलीफोटो है उसमें भी यही सेम सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। और बात खत्म नहीं होता है, यहाँ पर आपको 3D TOF सेंसर भी देखने को मिल जाता है ऑर्गेमेंटेड रियालिटी के लिए, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और भाई, ज़ेइस का भी हाथ है, ज़ेइस कोटिंग के लेंसेस आपको मिल जाते हैं, तो भाई और चार चांद लग जाते हैं कैमरास में। और अभी बात खत्म नहीं होता है, वीवो का V2 ISP चिप भी है जो कैमरास के परफॉर्मेंस को और भी इन्हांस करेगा, लेवल अप करेगा। तो कैमरास वाले सेक्शन में कोई कमी वीवो नहीं छोड़ा है। और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी भी है मेरे भाई, तो सेल्फीज भी आप बहुत अच्छे तरीके से ले लोगे, तो कैमरास मस्त है। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो भाई, यहाँ पर आपको MediaTek का नया नवेला प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाएगा, जो सबसे पहले इसी फोन के साथ डेब्यू किया है। मैं बात कर रहा हूँ MediaTek Dimensity 9200 Plus के बारे में। ये जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है भाई, ये MediaTek का अभी तक का सबसे बेस्ट पावरफुल प्रीमियम फ्लैगशिप गेमिंग प्रोसेसर है। 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इमोटालिस G715 MC11 का GPU है भाई। ये GPU से आप इतने तगड़े ग्राफिक्स पे गेमिंग करोगे ना यार, कि भाई इससे बेहतर कोई और प्रोसेसर आपको गेमिंग करवा नहीं सकता। हाँ भाई, मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, UFS 4.0 का स्टोरेज सपोर्ट, LPDDR5X RAM टाइप के साथ, मतलब कि आपका स्मार्टफोन बहुत ही फास्ट वर्क करेगा, रीड और राइट स्पीड्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, गेम्स बहुत ही जल्दी लोड हो जाएंगे, बहुत ही आपको मतलब कि फास्ट महसूस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 5000 mAh बैटरी नहीं मिलेगा भाई, 4810 mAh बैटरी मिलेगा, 120W के सुपर फास्ट चार्जर के साथ और चार्जर बॉक्स में रहेगा, और एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, ओरिजिन OS 3.0 के साथ, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहेगा भाई, NFC भी है, Wi-Fi 6E है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है, और एक्स एक्सिस लाइनर मोटर भी है, और नेचुरल वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे, 4D वाइब्रेशंस मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छा आपको हैप्टिक देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर में, और IR ब्लास्टर भी है मेरे भाई, और VC लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी है मेरे भाई। सारे अच्छे वाले मेन स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो यह स्मार्टफोन 8.48 mm के थिकनेस के साथ आता है, 200 grams उसका वेट है, और इसके अलग अलग कलर वेरिएंट्स के अलग अलग थिकनेस और अलग अलग वेट्स हैं। वैसे भी आपको ग्लास वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे और लेदर वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। डिज़ाइन वाइज ये स्मार्टफोन बिल्कुल वीवो X90 के जैसे दिखाई देता है, एक्चुअली ये वीवो X90 ही है, बस यहाँ पर एक नया प्रोसेसर लगा के वीवो वापस से लॉन्च कर दिया है, लेकिन देखने में फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है भाई, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और भाई, मानो या ना मानो, जो बीच से सिल्वर लाइनिंग किया गया है ना यार, वो बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही फील दे देता है। अगर बिल्ड वाइज देखोगे तो आपको ग्लास बॉडी देखने को मिलेगा, लेदर बैग भी देखने को मिल जाएगा, अगर लेदर वेरिएंट के साथ जा रहे हो तो एल्युमिनियम फ्रेम मिलेगा, आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है, IP64 का रेटिंग देखने को मिल जाएगा। तो यार, अच्छा है, डिजाइन बिल्ड वाइज आपको अच्छी चीजें मिल जाती हैं।
अब चलो यारो बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज चाइना में लॉन्च हो चुका है, 3 रैम वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। बेस है 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज, 45,300 रुपये, 45,300 रुपीज़। फिर उसके बाद है 12/256, 48,700 रुपये, 48,700 रुपीज़। फिर उसके बाद है 12+512, 53,500 रुपये, 53,500 रुपीज़। तो आपको प्राइजेस कैसे लग रहे हैं, आपके क्या रिएक्शंस हैं, ओपिनियंस हैं, बताइए मुझे। अब चलो यारो बात कर लेते हैं, क्या ये फ़ोन इंडिया में आएगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो यारो, जैसा कि मैंने कहा, Vivo X90 ही Vivo X90S है, बस यहाँ पर एक डिफरेंट प्रोसेसर के साथ Vivo लॉन्च किया है। इंडिया में Vivo X90 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और भाई दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन सेम है, दोनों स्मार्टफोन्स ही सेम है, बस Vivo X90 में आपको MediaTek Dimensity 9200 मिलता है, यहाँ पर MediaTek Dimensity 9200 Plus मिल जाता है, जो MediaTek Dimensity 9200 का ओवरक्लॉक्ड वर्जन है। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों सेम प्रोसेसर है, ठीक है। तो भाई इसके लिए वेट मत करो, ये फ़ोन इंडिया में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी Vivo लॉन्च कर चुका है। Vivo X90 ही Vivo X90S है। S सीरीज के फोन्स केवल Vivo चाइना में ही लॉन्च करता है, चाइना तक ही सीमित रखता है, उससे बाहर नहीं निकलता है। चलो यार, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, इस वीडियो को शेयर भी करना, और भाई हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।